पालक के पत्ते के कितने अच्छे पकौड़े बनकर तैयार हो रहे हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, reenarasoi.com में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में, छुट्टी का दिन है और बरसात का मौसम है, हम आपको पालक के दो तरह की डिश बनाकर दिखाएंगे। पालक की पकौड़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स, हमने पालक ली है, इसको हमने धोकर खूब अच्छी तरह से साफ कर लिया है। फिर इसको, इसके पत्ते हमने इस तरह काट लिए हैं। पत्तों में थोड़ी थोड़ी डंडी जरूर रखिएगा, जिसमें आपको कढ़ाई में डालने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह से उठाकर आप डाल सकते हैं। और इसी पालक से हमने थोड़े से पालक को महीन महीन काट लिया है। इससे भी हम आपको पालक के पकौड़े बनाकर दिखाएंगे। इसमें हम फ्लेवर के लिए और बनाने में, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, एक प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है। नमक लिया है, नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। पिसा लाल मिर्चा लेंगे हम आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। चावल का आटा लेंगे क्रिस्पी करने के लिए, एक कटोरी हमने बेसन लिया है। एक से डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, आधा चम्मच जीरा लेंगे और आधा चम्मच अजवाइन लेंगे और थोड़ी सी हम हींग लेंगे। पहले हम बेसन का घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसका पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको मेन मेन टिप्स आपको इसमें हम देते रहेंगे। सबसे पहले हम बेसन लेंगे, इसका ये इंग्रेडिएंट्स है चावल, चावल का आटा। इसको कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें दो से तीन चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अब हम इसमें क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए हम इसको थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच पिसा मिर्चा डालेंगे, आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक अच्छा सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये भी हम आपको घोल तैयार करके दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलिएगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर आपकी पकौड़े पालक के अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमारा बेसन का घोल बनकर तैयार हो गया है। घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अभी पहले हम पालक के पत्ते के कुरकुरे पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे, फिर इसके बाद कटे हुए पालक की पकौड़ी बनाएंगे। अब इसमें हम एक एक पत्ते को डालेंगे, इस तरह से इसको डिप करेंगे। ऑयल हमने चढ़ा दिया था, बेसन की रेसिपी है इसलिए आप सरसों के तेल को यूज करिए। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम पकौड़ों को डालेंगे। इस समय आंच बहुत धीमी मत रखिए। पकौड़े हमेशा थोड़ी सी, पालक के इस तरह के पकौड़े थोड़ी सी तेज आंच में बनाए जाते हैं। वाओ, कितने बढ़िया पकौड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। ये पकौड़े पालक के पत्ते के हैं तो इसमें ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, इसलिए आंच को तेज रखिए। इस तरह से आप पकौड़े बनाकर तैयार करिए। ये देखिए हमारे पकौड़े कितने बढ़िया, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। मुंह में पानी आ रहा है कि फटाफट खाया जाए।
पालक की हम दूसरी डिश बनाएंगे। उसी घोल में हमने पहले पालक के पत्ते के पकौड़े बनाए हैं, अब इसके बाद हम इसके पालक और प्याज के पकौड़े बनाकर दिखाते हैं। आप बहुत लोग इसको भज्जी भी कहते हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज है ये सब आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। हरे मिर्चे का भी प्रयोग करिए, इसके अंदर हरे मिर्चे भी काट कर डालिए, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बेसन मत डालिए, नहीं तो पालक का जायका ज़्यादा नहीं आएगा। जितने में आपका कटा हुआ पालक आपस में बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, बस इतने बेसन को आप यूज़ करिए। ये देखिए हमारा अच्छा सा बैटर पकौड़ी का बनकर तैयार हो गया है। हमारा तेल भी गर्म है, अब उसी तेल में हम ये वाली पकौड़ी बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पालक के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन सेकना है और थोड़ी देर इस तरह आप इसको करछुल पर पकड़े रहिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल छन जाएगा। हमारे बरसात के मौसम की स्पेशल डिश बनकर तैयार हो गई है। इसको गर्म गर्म चटनी के साथ सर्व करिए और इसके साथ चाय हो तो मजा ही आ जाए। यदि आपको हमेशा की तरह हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज जरूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।